डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ स्कीमों का ताल्लुक है कि किसानों की फलाह बहबूदी के लिए क्या क्या स्कीमें हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेंट्रली जो स्पॉन्सर्स हमारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी वैसी स्कीम्स हैं कि जैसे मैं सबसे पहले आपका एक नाम लूं कि किसान को अच्छा बीज खरीदने के लिए, अच्छी किस्म के खाद खरीदने के लिए और अगर ज़रूरत कभी पड़े तो अद्वियात खरीदने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम किसान स्कीम को लॉन्च किया, जिसमें साल में उसको 2000 रुपये की किस्त जो है वो मिलती है। और हमें खुशी यह बताते हुए कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने परसों ही किसानों के हक में 12वीं किस्त जो थी वो बागुजार की। अब अगर किसान को ये अच्छी चीज़ें खरीदनी हैं तो खाली पीएम किसान के 3 किस्तों से पैसा पूरा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम लॉन्च की और जिसमें बैंकों को ये हदायत दी गई कि वो कम शरह के ऊपर जो गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया हुआ नॉर्म है कि 7% इंटरेस्ट के ऊपर उसका कार्ड के ऊपर, जिस तरीके से मेरे पास जेब में एटीएम हो तो मैं बैंक से जाके अगर मेरे अकाउंट में पैसे हो तो मैं ले आऊँ, किसान बैंक में जाए वो पैसे लाए और उसे अच्छे इनपुट्स खरीदे। और जब वो अच्छे इनपुट्स खरीदेगा, अच्छी किस्म का बीज खरीदेगा, अच्छी किस्म का खाद खरीदेगा तो कुदरती बात है कि जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन लेवल बढ़ेंगे। क्योंकि एक वक्त वो था कि इसी ज़मीन से हम एक क्विंटल पैदावार भी नहीं लेते थे, आज वही वक्त है कि आज हम उसी ज़मीन से 4 क्विंटल से ज़्यादा पैदावार एक कनाल से लेते हैं। कि उसके बाद किसानों की फलाह बहबूदी के लिए और ख़ासकर नौजवानों के लिए PMKMY मानधन योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की कि वो किसान जो इस खेती बाड़ी के साथ जुड़े हैं, जब जिस तरीके से अगर कोई मुलाजम रिटायर होता है 60 साल के बाद तो अगर जो किसान है अगर वो भी जब 60 साल के बाद उसके लिए एक पेंशन की स्कीम शुरू की गई और उसमें बड़े मिनिमम जो उसको इंस्टॉलमेंट साल की देनी पड़ती है बहुत कम देनी पड़ती है, 4800 रुपये से लेके 300 रुपये तक जो है वो साल की सारी किस्त पड़ती है वो उम्र के लिहाज से। और जितने भी हमारे 18 से लेके 40 साल तक के नौजवान हैं हम उनको इस दायरा कार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे पास जो हमारा वाटर टेबल था वो कम होता जा रहा है और वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई स्कीम को योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें से हमारी 50 से 55% जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो हम लोगों को सेविंग मिलती है। इसके बाद रिसेंटली हम आपको बताएं कि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें फसल बीमा योजना कि अगर किसान जो है वो अपनी फसल को भरपूर तरीके से उगाता है लेकिन किसी वक्त ऐसे किसी ग्रोथ और डेवलपमेंट के स्टेज पर कोई वैसे नागानी हालात हो जाएं, कभी हेल स्टार्म हो जाए, कुछ हो जाए कि उसकी फसल ख़राब हो जाए, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बैकअप रखा। क्योंकि इस वक्त तक हमारे सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 जम्मू डिवीज़न के और 1 कश्मीर डिवीज़न का, जिनके बीच में फसल बीमा योजना की स्कीम चल रही है और जो बाकी 16 डिस्ट्रिक्ट थे उनके बीच में भी हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर किए हैं ताकि तमाम के तमाम किसान जो हैं वो इस दायरा कार में आ सकें। आज आप देख रहे हैं कि लेबर की कमी हो रही है, दूसरी चीज़ों की कमी हो रही है, मेकनाइजेशन के लिए हम लोगों को सब्सिडी देते हैं, जैसे मान लो 2 लाख रुपया मैक्सिमम सब्सिडी हम ट्रैक्टर के लिए सब्सिडी देते हैं। मान लेते हैं पानी की किसी जगह पर कमी है, हम बोरवेल खोदते हैं, हमने कैपेक्स बजट में इसके लिए प्रोविजन रखा 2 लाख रुपये तक की हम इसमें सब्सिडी देते हैं कि किसान बाकी पैसा वो अपना खुद खर्चे। जैसे इस वक्त रबी का सीज़न चल रहा है, आज अल्लाह के फजल करम से 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जो भी हम लोगों को इनपुट के सीड्स वहाँ भेजने थे ऑलरेडी स्टॉकिंग मौजूद है। आपको ये जान के खुशी होगी कि ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की कोशिशों की वजह से है कि हमारे पास सिर्फ 30 या 40 हज़ार हेक्टर एरिया जो था
वो इसके बीच में लगता था, आयल शीट के बीच में। पिछले साल हमने 1,03,000 हेक्टर एरिया कवर किया और इस साल उसी एरिया को हम बढ़ा के 1.5 लाख हेक्टर करना चाहते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों से नहायत मोहतरमाना गुजारिश करता हूँ कि उनके नज़दीक तरीन जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दफ्तर है वहाँ पर जाएँ। मेरे लोग तो एक्सटेंशन के लिए फील्ड में जाएँगे, किसी किस्म के उनको इनपुट्स की ज़रूरत है वहाँ से वो उसकी जानकारी हासिल करें, वहाँ से वो ख़रीदें और किसी स्कीम का वो फ़ायदा लेना चाहें वो डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के साथ डिस्कस करें और डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर 24 घंटे किसानों की फलाह बहबूदी के लिए उनकी किसी भी मुश्किल को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है।